What happened should never, ever have happened. China should have informed us that they had a problem. China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. They want to cooperate. Great. Cooperation is about action. It's about opening up. It's about sharing this information. ये गुस्सा, ये चिढ़, ये डर, ये जलन है तो पुरानी, मगर अब जाकर इसे खुलकर इजहार करने का बहाना मिला है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को घेरने का कोई भी मौका जाने देना नहीं चाहते। यूं भी पहली बार उन्हें एक ऐसी वजह मिली है जिससे वो पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं। और चीन भी कोरोना के मामले में ऐसा फंसा है कि उसे इससे बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि चीन को कोरोना की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी योजना भी तैयार कर ली है। और तो और, अमेरिकी प्रशासन चीन से कोरोना की कीमत वसूलने के लिए और उसे घेरने के लिए विकल्पों की तलाश भी कर रहा है। ये तेरा कोरोना ये मेरा कोरोना की बहस में अभी तक तो सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा था। अमेरिका और चीन में असली लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही है। कायदे से देखें तो फिलहाल चीन बैकफुट पर है और कोरोना वायरस के मामले में खुद को डिफेंड कर रहा था। वहीं अमेरिका लगातार उस पर दबाव बनाता जा रहा है। WHO ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी, मगर अमेरिका ने उसकी फंडिंग बंद करने की धमकी देकर उसे भी चुप करा दिया। अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने किसी देश पर चढ़ाई के लिए दोष साबित होने का इंतजार कभी नहीं किया। लिहाजा इस मामले में भी ट्रंप प्रशासन चीन को कई फ्रंट पर ऐसी सजा देने की प्लानिंग कर रहा है जो उसे लंबे वक्त तक सालता रहेगा। चीन को कोरोना की तबाही के लिए सबक सिखाने की ये स्ट्रेटजी अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी बना रही है, जो फिलहाल कोरोना वायरस के फैलने को लेकर तमाम रिसोर्सेस को इकट्ठा कर रही है ताकि चीन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति तैयार की जा सके। पहले तो ये समझिए कि आखिरकार ये USIC है क्या। दरअसल अमेरिका की तमाम एजेंसियों का एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड रूप है यूनाइटेड स्टेट इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जिसमें काफी सारी एजेंसीज का डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये तमाम एजेंसियां अलग से तो काम करती ही हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में मिलकर भी काम करती हैं। चीन के खिलाफ इस रणनीति की शुरुआत हुई अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को इस पूरे के पूरे एपिसोड के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। मुमकिन है कि पूरी दुनिया चीन से पैसा न मांगे, लेकिन हम तो चीन से इसका हर्जाना वसूल करके रहेंगे। यही नहीं, कोरोना वायरस से अमेरिका में मची तबाही को लेकर कई सांसद भी चीन पर हमले की मांग तक कर चुके हैं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने चीन से बदला लेने का मन तो बना लिया है, और यहाँ अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये बदला कितना करारा होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही हुआ है और हालात अब भी वहाँ नाजुक बने हुए हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका किस तरह से चीन पर हमला करेगा। तो सुनिए, अमेरिका सबसे पहले चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा विकल्प है अमेरिका चीन का कर्ज नहीं चुकाएगा। तीसरा ऑप्शन है चीन की सरकार पर केस चलाएगा। आखिरी विकल्प है चीनी माल पर आयात शुल्क बढ़ा देगा। ये सारे के सारे विकल्प इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि चीन को ये साफ संदेश जाना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक प्रतिबंध की। साल 2019 में अमेरिका पहले ही चीन के ऊपर काफी प्रतिबंध लगा चुका है, हालांकि उस वक्त ये एक ट्रेड वॉर का हिस्सा था। और तब ये प्रतिबंध इसलिए लगाए गए थे क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो उसका रुतबा है, चीन उसमें दखल अंदाजी करके ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, जो अमेरिका सिर्फ वहम में प्रतिबंध लगा दे तो अब तो उसके पास इसकी माकूल वजह भी है। माना जा रहा है कि चीन पर ये नए और पहले से बड़े प्रतिबंध इसी साल लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन से जो उधार लिया है वो उसे बिना डकार लिए हजम कर सकता है। जाहिर है ये मसला वादा खिलाफी का है, तो मुमकिन है कि इससे चीन भड़क उठे, लेकिन अमेरिका चाहता भी तो यही है। हालांकि ऐसा करने से अमेरिका और अमेरिकी डॉलर की साख गिर जाएगी। दूसरे देशों का भरोसा भी अमेरिका से उठ सकता है। और तो और, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी उल्लंघन होगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ तो ये मानकर चलिए कि दुनिया को ग्लोबल मंदी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं
जब एक देश ने दूसरे देश से वॉर टाइम रेपरेशन मांगी है। कोरोना भी एक किस्म का लड़ाई है जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए, उनकी इकोनॉमी बैठ गई है और उनका हक बनता है कि चाइना के एसेट्स को फ्रीज करे, उनके एसेट्स को जब्त करे। और अमेरिका तो बड़े पैमाने पर सोच विचार कर रहा है कि चीन के जितने भी उधार है उसका उसको ना उसको वापस ना लौटाए। जहाँ तक अफ्रीकन देश है, उन्होंने BRI के लिए बहुत लोन लिए, वो साफ तौर पे कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, चीन उनको या तो वेव ऑफ करे नहीं तो वो उधार नहीं चुकाएंगे। इसी प्रकार जो बाकी देश भी हैं जिस पर चीन ने पैसा लगाया है, वो तमाम कह रहे हैं चीन जो है या तो बड़े पैमाने पर उसको रीशेड्यूल करे, नहीं तो वो उधार नहीं लौटाएंगे। अमेरिका के पास एक रास्ता ये भी है कि चीन की सरकार पर कोरोना से हुई तबाही के खिलाफ केस चलाया जाए। हाल ही में अमेरिका के मिजावरी स्टेट ने चीन पर कोरोना संकट के लिए केस चलाने की बात भी की थी, लेकिन ये मामला इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक विदेशी सरकारों के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता और वैसे भी ये किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ माना जाता है। हालांकि अमेरिका तो अमेरिका है, उसे जो अच्छा लगता है वो करता है और इसे ही तो दादागिरी भी कहते हैं। अब इसकी शुरुआत ट्रंप ये कहते हुए कर चुके हैं कि कोरोना से हुए नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए कानून में संशोधन करना ही पड़ेगा। अनेकों देश मिलकर किसी एक देश के ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है न्यूरनबर्ग ट्रायल्स जो जर्मनी के खिलाफ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसी माफिक को वॉर टाइम क्राइम्स के अनेकों उदाहरण है जहां एक देश ने या अनेकों देशों ने एक देश के ऊपर वॉर टाइम्स की ट्रायल की है। ऐसे में सारी दुनिया एकजुट होकर चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है अदालत के माध्यम से, और बहुत सारे देश जो हैं वो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली चाइना के खिलाफ ऑलरेडी अपने अपने देशों में केसेस पुट अप कर रहे हैं। इन तीनों विकल्पों के बाद आखिरी विकल्प बचता है चीन से आयात होने वाले माल पर इतना आयात शुल्क बढ़ा देना ताकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के बिना चीनी मालों की डिमांड कम हो जाए, जिससे व्यापार पर भारी असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच पहले से चल रही ट्रेड वॉर में आग में घी झोंकने वाला काम होगा। बावजूद इसके अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से पंगु बनाना चाहता है ताकि सुपर पावर बनने का चीन का जो सपना है उसकी भ्रूण हत्या हो जाए। फिलहाल इन चारों ही विकल्पों पर ट्रंप प्रशासन नफा नुकसान तौलने में लगा है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि चीन के खिलाफ अमेरिका की यह रणनीति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी होगी। हालांकि अमेरिका अभी कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर इक्विपमेंट पर वो चीन के ऊपर काफी निर्भर है। मौजूदा हालात की बात करें तो अमेरिका में PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स, चिकित्सक उपकरण, यहां तक कि दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स भी चीन से ही आ रही है। लिहाजा अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के बीच कुछ न कुछ बड़ा जरूर होने वाला है।